दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। अगले हफ्ते अग्नि फेरा में देखिए। रहने दो, हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीन चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई, तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। जल्दी से अपना जो सामान है ना सब पैक कर लो, कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे। हम आपसे और आपके परिवार से सारे रिश्ते नाते तोड़ के आए हैं। और मैं तुम्हें यहाँ से लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कम से कम 2 दिन खाऊंगा आज। इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक शिष्टी ख्यात के समोसे नहीं खाए। शिष्टी समोसे भी बना दिए। यार बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। तो मतलब तुम मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं चलोगी? नहीं जाएंगे। अभी मैं जाता हूँ, तुम्हारे बाबूजी को सब सच बता देता हूँ। विशु जी को भुट्टे बहुत पसंद है, वो अक्सर हमारे लिए भुट्टा लेकर आते थे। भुट्टा तो सबको पसंद होता है, मैं भी तुम्हारे लेके आया हूँ। तो बाबूजी मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। दिमाग मत खराब कर यहाँ मत। अरे मैं क्या करूँ, इतनी गर्मी लग रही है। आई थिंक मुझे ये ब्लेजर है ना, ये निकालना पड़ेगा। सीधे से बैठेंगे या गाड़ी से उतरेंगे? अरे थोड़ा हेल्प तो करो, इसको इसको खींचो ना प्लीज। अरे तुम आओ। देखो तुम्हारे चक्कर में मैं अपने घर वालों को तो बताना ही भूल गया कि मैं लंदन नहीं गया। चले जाते तो अच्छा था, लेकिन नहीं, आपको तो हमारे सर पर बैठ के भरतनाट्यम करना था ना। अरे अनुराग का फोन है, इंडिया का नंबर काहे दिखा रहा है? लंदन? हम कुछ समझे नहीं। एक्चुअली वो बोलती है कि वो आप सबके पास टाइम स्पेंड करने आई थी और मैंने यहाँ आके उसे अपने काम में लगा दिया, तो इस बात पे मुझसे बहुत नाराज है ना राकिन? अरे बेटा जी, आपकी योग्यता पर पहला हक आपके पति यानी दवाद बाबू का है। दवाद बाबू का काम तो आपका अपना काम है ना, आप इसका बात पर ना इतना गौर मत किया कीजिए। वैसे आपका प्रोजेक्ट ही कहाँ पर है? माधोपुर छावनी, एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है बस वहीं पे। लीजिए, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, हमारा नया कोठी भी माधोपुर छावनी के पास है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोठी तो 4 महीने से तैयार है, गृह प्रवेश का पूजा का फुर्सत नहीं मिला इन्हें। अरे फुर्सत नहीं मिला ठकुराइन तो अच्छा बात है ना, अब नया घर का पूजा नया जोड़ा करेगा। ये बहुत सुंदर है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नॉलेज और एजुकेशन है, एंड आई होप माँ सरस्वती की ये मूरत तुम्हें और हौसला दे। अच्छा सृष्टि, मैं इस मूमेंट को जिंदगी भर के लिए कैद करना चाहता हूँ। मतलब? मतलब आई वांट टेक सेल्फी विद यू यार। ठीक है, तो ऐसे बोलो ना। Hmm.
ओके हो गया। शेखर लेट हो रहा है, चलिए। चलो चलो। एंड थैंक यू फॉर दिस। प्लेजर। यू कैन। तुम्हारे साथ ये रात कितनी खूबसूरत है सृष्टि। मुझे जिंदगी भर बस ऐसी ही रातें चाहिए। देर लगेगी, ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। ये रोमानी अंदाज छोड़ो, जो कहना वो कह डालो। ये बात नहीं हो के मैं आते ही सुना दूं, ये बात नहीं हो के मैं आते ही सुना दूं, सीने से हाय सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी, सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है। ओ गॉड, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। अरे ये तो वही है ना जो विद्वान सिंह के बेटे के साथ ब्याही है। अरे ये तो अपने घर से भाग के आई थी। हम पिछली मुलाकात में समझ गए थे कि वो वकील नहीं है शेखर, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। उसको एक ही तरीका से समझ में आएगा कि उसको चुपचाप कोर्ट से उठा लो। काका मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? अगर मेरी जुबान खुली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप बताइए ना काका, मैं आपको वचन देती हूँ आपकी नौकरी नहीं जाएगी। छुटकी बहुरानी, उस दिन शाम को जब मैं हेलो बा, मुझे काम्या ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। किडनैप? भगवान जाने काम्या की मंशा क्या है। मुझे लगता है कि हमें विद्या को सब कुछ बता देना चाहिए। आपको क्या लगता है, देवांग की किडनैपिंग को लेकर विद्या बेखबर? वो सब जानती। विद्या, काम्या ने देवांग को क्यों किडनैप किया है और उसे देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? बताओ हम सबको, आखिर काम्या को देवांग के बदले चिराग क्यों चाहिए? अरे कहाँ जा रही हो, साथ में चलते हैं ना, मैं छोड़ दूंगा आज। अच्छा एक बात पूछूं? बिल्कुल। आज तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगी? For this, तुम्हें सिर्फ हक से इतना कहना होता है कि शर्ली ड्रॉप मी होम। अरे अभिषेक, अभिषेक। हेलो। हेलो मीरा जी। मीरा जी, अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ नीरज, जल्दी बोलो। काम करते हैं, हम तुम्हें छेड़ते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। ओ तेरी हिम्मत कैसे हुई सरे बाजार इस लड़की को छेड़ते हुए? बिट्टू भैया, ये मेरी बीवी, इसे माफ कर दीजिए। गलत बात होता है। बिल्कुल बहुत गलत बात होता है। ये तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं क्या? ये जो तुम हरकत कर रही हो ना, ये भी सिर्फ बेसिर पैर की हरकत है।
बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति कर रहा है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कैसा कागज है? परेशान क्यों हो रही है बेटे? इसकी चिट्ठी है ये? मामा क्या हुआ? क्या हुआ संतोषी, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटे क्या लिखा है उसमें? बढ़ो लाखा को रघुवीर जी को चुनाव लड़ने का उपाय देती है। संग्राम सिंह जी भी चुनाव के लिए खड़े हो गए और उनको हराने का एक ही रास्ता से अगर बाबूजी भी चुनाव में खड़े हो जाए तो। बढ़ो तो राजनीति कर रहा है। क्या बढ़ो की अच्छाई लाएगी अहलावत परिवार में दरार? जानने के लिए देखते रहिए बढ़ो बहू, और वारिस में देखिए रोहन और सिमरन की बढ़ती नजदीकियां क्या बढ़ा देंगी प्रीत और राज की दूरियां। तू और तेरी बहन दूर रहो मेरे रोहन वीर जी से, अगर नहीं सुधरी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।